I wish him all the success for his release on September 25th. Cheers. Good evening, everybody, and all my media friends. Thank you to be over here. It's a great association with Tarun. Definitely, it's just a beginning, and more looking forward to more endeavors in future. Well, I would like to call my leading ladies, my calendar girls, who have absolutely dazzled the screen. देखिए प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना सर. अभी इशू होता है, टॉपिक होता है. कैलेंडर गर्ल्स एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू, मेरे ख्याल से किसी ने हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्में बनाई नहीं है कि कैलेंडर गर्ल्स के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं. एक हवा उसका, एक हमेशा लोग कैलेंडर्स की बात करते हैं. लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए कि कैलेंडर गर्ल्स की जो ज़िंदगी है वो एक साल की है, वो एक साल के बाद वो लड़कियाँ जाती कहाँ हैं, क्या होता उनके साथ, किस तरह से एक उनकी जर्नी का जो टेन्योर होता है एक साल का होता है और कहाँ जाते हैं, वो तो ज़रूरी होता है. तो मुझे लगा ये एक्सप्लोर किया जा सकता है. तो मैंने है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को पकड़ा है, पांच लड़कियों के साथ जो इशू है. कहीं मैंने, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो बहुत ही रियल है, 75% रियल फिल्म है और इस पर रिसर्च गया है. मैं, मेरे राइटर्स, तमाम लोगों ने मिल के इसे रिसर्च किया, लोगों से इंट्रैक्शन किया है, उसके बाद जाके ये फिल्म का जो है पूरा उसका निर्माण हुआ है. देखिए मेरे लिए तो जैसे बोलते मेरी पांच उंगलियां तो सब एक समान है. मैं भी ये बोल नहीं सकता ये उंगली अच्छी हुआ. आप जब पिक्चर देखोगे तब तो आपको लगेगा कि वाकई में ये लड़कियों ने अपना किरदार, मैंने आज आप इनको इनके नाम से जानते हो लेकिन जब पिक्चर रिलीज होने के बाद आप इनके किरदार से जानोगे, इनके कैरेक्टर के बारे में आप जानोगे, तब आपको लगेगा इतना जस्टिफिकेशन हुआ है. क्योंकि जो लड़की ने अपने हर कैरेक्टर को इतना अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि ये फिल्म केवल ना बिकनी है, ना केवल ग्लैमरस दिखना है, बल्कि परफॉर्मेंस है. क्योंकि मेरी हमेशा फिल्में रही है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रही है, कहीं भी जाके मैंने उस तरह की फिल्में नहीं बनाई है और हमेशा ही परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व दिया है. तो जब आप पिक्चर देखोगे आप भूल जाओगे कि उस गाने में कि लड़की ने बिकनी पहनी या ग्लैमरस है. आप इन लड़कियों को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये याद रखना कि आप इनको अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाएगा. It is a lifetime experience and we all know he is our mentor. So we have grown as an actor through this film and I'm really very thankful to Madhuji for choosing me for this character Nazneen, and I'm just looking forward for the more films working with Madhuji in future. I was very very excited. Honestly, I was really nervous when I thought I was getting my Bollywood break. But then I'm so grateful to God that my first director is Mr. Madhur Bhandarkar. He's a perfectionist. And the whole experience was a joyride. Pata hi nahi chala ki film kab khatam ho gayi. It was wonderful. Hello everyone. I think it takes guts to make a film with newcomers. And I think Madhur Bhandarkar has shown that guts by making a film with five newcomers. So I'm very thankful, and I've always said this, that Calendar Girls is my first love. It's my first film and I'll always be emotional about it. So thank you, Madhur sir. Thank you for everything. नहीं, कम्प्लीटली डिफरेंट. फैशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ओनली ग्लैमर, लाइक आई फेट आई रोड अ ब्लॉग ऑल्सो टूडे, यू शुड रीड द ब्लॉग अबाउट वॉट आई सेड. देर आर सो मेनी फिल्म यू कैन मेक ऑन द ग्लैमर वर्ल्ड, ऑन द हाई सोसाइटी, विद डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज. कम्प्लीटली इज नथिंग टू डू विद फैशन एट ऑल, नॉट आयोटा ऑल्सो. एक्सेप्ट ऑब्वियसली वेन यू सी गर्ल्स पोजिंग और क्लिकिंग पिक्चर यू फील लाइक दैट, बट देर सो मेनी फिल्म मेकर्स हु हैव डिफरेंट डिफरेंट, आई मीन इज अ जॉनर द सेम मेक बट डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी दे टेल. I think that's so much benefit of Dodi should give me, sir. I did a cameo on Page 3, though I'm no actress, but I did it just for him. And after that, as he said, I did fashion, I did corporate, I did, and I'm now Calendar Girls. All those other times I painted the actresses, this time I've made a composite of all the five girls in one. So, yeah. And painting women is my forte, but I've also painted some males as well, Shah Rukh Khan for example. And I've always been maintaining I need to paint Madhur one day, and he's still never ready to do it. So next time round it's going to be Madhur on canvas as well.